भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। पवन सिंह के एक्टिंग और सिंगिंग के यूं तो लाखों फैंस हैं, पर ऐसे कई लोग हैं जो आए दिन बॉलीवुड हो या भोजपुरी इंडस्ट्री के सितारों को ट्रोल करते रहते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है पवन सिंह के साथ। दरअसल उन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ के गोमती नगर पुलिस स्टेशन में कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अभिनेता ने अपनी शिकायत में अपनी जान पर खतरा बताया है और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोग उनकी छवि धूमिल करने के इरादे से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह मूल रूप से बिहार के आरा के रहने वाले हैं। वो 20 फरवरी से लखनऊ में हैं, जहां वहां पर एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वहीं पवन सिंह ने हाल ही में अपनी आगामी मेगा बजट फिल्म मेरा भारत महान की शूटिंग का पहला शेड्यूल पूरा किया है। फिल्म की शूटिंग जौनपुर और लखनऊ के विभिन्न स्थानों पर की गई है। वी प्रांजल फिल्म क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बनी फिल्म मेरा भारत महान का निर्माण सत्यजीत राय और विपुल राय ने किया है। इसका निर्देशन देवेंद्र तिवारी ने किया है। आपको बता दें कि पवन सिंह के साथ फिल्म में भोजपुरी के दिग्गज अभिनेता रवि किशन भी इस मेगा बजट मनोरंजन में दिखाई देंगे। भोजपुरी सिने प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर है। उन्हें दो बड़े भोजपुरी सितारे लंबे समय के बाद एक साथ स्क्रीन साझा करते हुए देखने को मिलेंगे। फिल्म में अंजना सिंह, मणि भट्टाचार्य और गरिमा परिहार सहित तीन भोजपुरी प्रमुख महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं बात करें अगर पवन सिंह के आगामी प्रोजेक्ट की, तो पवन सिंह अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग भी जल्द शुरू करेंगे। इसके अलावा उनकी होली के मौके पर सॉन्ग भी रिलीज किया जाएगा, जहां पर उनके साथ आश्रम वेब सीरीज में अपनी एक्टिंग से तारीफ बटोरने वाली त्रिधा चौधरी नजर आएंगी। इसके अलावा इस सॉन्ग में पवन सिंह के साथ सलीम सुलेमान के साथ ही सलीम मर्चेंट भी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.